हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है DFCCIL की, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके आवेदन जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है हर पोस्ट में, ठीक है। देखिए, DFCCIL का सबसे पहले तो क्या फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी जो निकाली गई हैं वो है 535, ठीक है। और जो पोस्ट निकाली गई हैं एग्जीक्यूटिव की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। देखिए, इसके जो आवेदन स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 20 मई 2023, ठीक है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 19 जून 2023, ठीक है। इसके बाद में देखो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, CVT टेस्ट, ठीक है। फिर देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं CBAT, और जो ये टेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए होगा, ठीक है, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव। OP और BD के पोस्ट के लिए, ठीक है। और सब में वैसे एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की OP एंड VD पोस्ट के लिए इसमें ये वाला एग्ज़ाम होगा CBAT, ठीक है। इसके बाद में होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट, अब देखिए इसके बाद में कि जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और उन पोस्टों में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। देखो पोस्ट नेम और फिर यहाँ वैकेंसी, पहले जैसे देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल, इसमें वैकेंसीज है 50। फिर देखिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें वैकेंसी है 30। इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव OP एंड VD, इसमें पोस्ट वैकेंसीज हैं 235। फिर देखिए एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसमें वैकेंसी हैं 14। इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव HR, इसमें वैकेंसी है 19। फिर है एग्जीक्यूटिव IT,
इसमें वैकेंसी है 6। इसके बाद देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है इसमें 24। इसके बाद है देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसकी में वैकेंसी है 148। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें वैकेंसी है 9। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो है 535। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, हम आपको बताएं इसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। एज एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए है 18 से 30 वर्ष। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में देखिए 10th ITI और डिप्लोमा। ठीक है, पास होना चाहिए। और देखिए 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में देखिए, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और ड्यूरेशन। सब्जेक्ट देखिए जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, इसके आएंगे आपके 24 क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए कंसर्ट सब्जेक्ट, इसके होंगे आपके 96 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पूरे टोटल क्वेश्चन हैं इसमें 120, और आपको इसमें टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम पैटर्न। जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, और जनरल साइंस, इसके आपके आएंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, और कंसर्ट सब्जेक्ट के होंगे आपके 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर देखिए टोटल क्वेश्चन है आएंगे आपके 120, और आपको इसमें टाइम मिलेगा 2 घंटे का।
इसके बाद में देखिए इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। देखो एप्लीकेशन फ़ी एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 900 रुपये। इसके बाद देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इनकी एप्लीकेशन फ़ी है 700 रुपये।